बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन विंग्स, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन विंग्स 1/2 किलो, और अब हम उसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और विनीगर डाल देंगे 1 टीस्पून। तो सबसे पहले चिकन विंग्स के ऊपर नमक और विनेगर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है और इसके जो रेड कलर नमक नज़र आ रहा है वो निकल जाएगा। तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 10 मिनट बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है सॉल्ट और विनेगर को। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल देंगे, थिक योगर्ट यानी दही। और नेक्स्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काले मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे वाइट विनेगर, और नेक्स्ट अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, सारे चिकन विंग्स को अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे 1 से 2 घंटों के लिए, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दिया था। तो अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो चिकन विंग्स को कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 1 कप, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मैंने पानी लिया है 1 बाउल में। पानी हमने लेना है ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। तो अब हम चिकन विंग्स लेंगे और इसको हम मैदे से कोट कर लेंगे, और इसको उठाकर ठंडे पानी के अंदर डिप करके निकाल लेंगे, और फिर से मैदे के अंदर अच्छे से इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब दूसरी बार हम इसको मैदे से डस्ट कर देंगे, अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग लगा देंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम सारे चिकन विंग्स को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैं सारे चिकन विंग्स को इसी तरीके से लगाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल ले लिया है, और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें डाल देंगे, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कुक कर लेंगे। ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो हम इसको पकाएंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके साइड्स भी पलट कर दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो ये देखिए हल्के से हम इसको पलट लेंगे सारे चिकन विंग्स को, और कुक कर लेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए, और इसको पकाएंगे इस जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो रहा है, उसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे चिकन विंग्स, कितने बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे चिकन विंग्स को फ्राई करके सर्व कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।